जीवन पेरना। मात पिता की सेवा कर ले तू भव से तर जाए, चल सो समझ कर जीवन पेरना।
बच्चा सबसे पहले माँ की गोद में आता है, आँख खुली तो मैया की, आँख खुली तब मैया की गोदी का ही सहारा था, आँख खुली जब मैया की गोदी का ही सहारा। उस मैया का आंचल तो इस भूमंडल से प्यारा, उस मैया का को समझाया, बेटा मासी जी को प्रणाम करते जाना। बोले ठीक है मैया, मैया के चरणों में ध्रुव जी ने प्रणाम किया। देखो मैया ने कह तो दिया, पर नन्हे से भक्त है ध्रुव जी महाराज, लेकिन मैया के मन ही मन ये भाव है कि मेरा बेटा वहां कैसे रहेगा। आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भी माँ बाप को इतनी फिक्र रहती है, तो यहाँ तो नन्हे से भक्त है। मैया ने कहा भक्त ध्रुव चल पड़े और मैया की बात को मान करके मासी जी के चरणों में प्रणाम किया। मासी जी मुझे आशीर्वाद दो, कहाँ जा रहे हैं? भगवान की गोद को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। मासी जी को लगा एक दो दिन जाएगा, जंगल में धक्के खाएगा, वापस आ जाएगा, ये सोच के सर पे हाथ रख दिया। बेटा जा, जिस कार्य के लिए जा रहा है तुझे वो सफलता प्राप्त हो। ध्रुव जी महाराज चल पड़े। महाराज पिताजी को पता लगा, राजा उत्तानपाद को, तो पिताजी ने कहा अपने दो सैनिकों को भेजा कि जाओ मेरे पुत्र को जिस चीज की आवश्यकता हो मैं दूंगा, पर ध्रुव को वापस ले आओ। दो सैनिक गए, महाराज ने आपको बुलाया है। ध्रुव जी बोले अब तो हम भगवान की गोदी में ही बैठ कर रहेंगे। ध्रुव जी के पिताजी को जाकर के सूचना मिली, बोले ध्रुव जी ने तो मना कर दिया, फिर बोले कि आधा राज्य ध्रुव को दे देंगे, जरा वापस ले आओ। ध्रुव जी ने कहा महाराज जाकर के पिताजी को कह दो आधा राज्य तो क्या, अगर पूरा भी दें तो अब ध्रुव वापस मुड़कर नहीं देखेगा। ध्रुव जी महाराज चल पड़े हैं जंगल की ओर, ध्रुव जी बढ़ रहे हैं। कहते हैं आप जब किसी कार्य के लिए निकल रहे हैं ना, और अगर शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं तो भगवान आपकी मदद जरूर करते हैं। भगवान हर भक्त का साया बन करके चलते हैं। इधर से ध्रुव जी महाराज जा रहे थे और उधर से नारद जी अपना वीणा लेकर के आ रहे हैं। संत को जैसे ही देखा तो साष्टांग ध्रुव जी ने प्रणाम किया है। और ध्यान रखिएगा बच्चे के अंदर संस्कार कितने हैं, वो उसकी चाल ढाल, उसका हाव भाव और उसका प्रणाम या राम राम बोलना, ये यही काफी है बताने के लिए कि हाँ ये कितने पानी में है। ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम कर दिया। नारद जी ने देखा अरे वाह नन्ना भक्त कहाँ जा रहे हो, ध्रुव जी के मुख से निकल पड़ा भगवान की गोदी को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। ध्रुव जी ने जैसे ही कहा बोले पता भी है वो कहाँ रहते हैं? बोले मैया ने कहा है कि वो जब तपस्या करते हैं तब मिलते हैं, तो वहीं जा रहे हैं। बोले कोई गुरु बनाया है? बोले हाँ बाबा, हर बालक की प्रथम गुरु मैया होती है, तो मैया हमारी गुरु है। बोले वो तो सबकी होती है, लेकिन जो आपको मार्गदर्शक बनकर के आपको बताए, आपको राह दिखाए, क्या ज्ञान देने वाला गुरु कोई बनाया है? बोले नहीं बाबा। बोले जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक आप कैसे भगवान को प्राप्त करोगे? नारद जी के मुख से जैसे ही ध्रुव जी ने सुना तो ध्रुव जी कहने लगे, बोले बाबा अब गुरु कहां से ढूंढे, आप एक काम करो, आप ही
गुरु बन जाओ ना। तो नारद जी बोले, अरे मैंने तुझे पूछ क्या लिया, तुझे लगता है मैं तेरा गुरु बनूं? और वैसे ही ध्रुव जी को नारद जी ने देखा, क्योंकि प्रणाम करने के भाव से ही समझ गए थे कि हाँ ये भगवान का कोई भक्त है। हर जीव के जीवन में एक गुरु का होना अति आवश्यक है। अगर गुरु नहीं है तो गुरु धारण कर लीजिए, वो जरूरी नहीं वो कोई भी हो सकता है जिससे आपको ज्ञान मिले, लेकिन जब तक आप जीवन में गुरु धारण नहीं करते तब तक मुक्ति नहीं है। इसीलिए गुरु जरूर बनाना चाहिए। और रामायण में भी यही गोस्वामी जी ने लिखा है, गुरु कैसा होना चाहिए, एक सच्चा सदगुरु जो अंधकार से आपको प्रकाश की ओर लेकर के जाए। एक ऐसा सच्चा सदगुरु हर भक्त के जीवन में होना चाहिए। लेकिन कलयुग की मार है तो गुरु भी थोड़ा सोच समझ करके बनाना, जल्दबाजी में कुछ मत करना, क्योंकि आजकल जो गुरुदेव हैं वो भी थोड़ा थोड़ा लालच का शिकार हो चुके हैं। तो गुरु शिष्य बधिर अंधकाले कर पाए ऐसा गुरु नरक का भोगी होता है। लेकिन गुरु के बिना कल्याण नहीं है। गुरु बिना भव निध तर बिना जरूर धारण करिए। लेकिन गुरु ऐसा नहीं कि भैया नाम के लिए गुरु बना लिए, बस नाम ले लिया और फिर गुरु की बात का कोई पालन ही नहीं। यानी अगर या तो गुरु बनाइए मत, और अगर बना लिए तो फिर गुरु ने जो कह दिया वही पत्थर की लकीर है। इसलिए गुरु थोड़ा जान करके बनाइए। नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, अथ मात्रो पदिष्टि प्रसादम सवै पुंसाम दुराराध्यो मतो मम। ध्रुव जी ने, ध्रुव जी से नारद जी कह रहे हैं, माता के उपदेश से तुम योग साधना द्वारा जिन भगवान की भी प्राप्ति करने के लिए चले हो, मेरा ऐसा विचार है बेटा वो साधारण पुरुषों के लिए प्रसन्न करना उसको बड़ा कठिन है। अपनी माँ की आज्ञा से तुम चल तो पड़े हो, लेकिन योग साधना बड़ी कठिन है। बोले बाबा जब आ ही गए हैं तो पीछे नहीं हटेंगे। नारद जी ने ध्रुव जी को लायक जान करके अपना शिष्य बनाया है।
और नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा बेटा इस मंत्र का जाप करना। देखिए नारद जी ने दे तो दिया मंत्र, अब नारद जी को मन ही मन ये भाव उठ रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नन्हे से भक्त को कोई कठिनाई आन पड़े और भगवान कहीं ऐसा ना हो कि भगवान देर कर दे इसको दर्शन देने में। लेकिन भक्त ध्रुव को लायक जान करके कहा बेटा इस मंत्र का जाप करना, भगवान तुम्हारे ऊपर जरूर कृपा करेंगे। ध्रुव जी महाराज ने गुरु चरणों में प्रणाम किया है। ध्रुव जी महाराज चल पड़े, एकांत में वट वृक्ष देखा, स्नान इत्यादि कर वट वृक्ष के नीचे ध्रुव जी महाराज बैठ गए। और वहां बैठने के बाद ध्रुव जी महाराज तीन तीन रात्रि के अंदर से तीन तीन रात्रि हो जाती, और ध्रुव जी महाराज कुछ थोड़े बहुत फल इत्यादि तोड़ करके खा लेते। इस तरह ध्रुव जी ने पहले महीने साधना की थी, यानी तीन तीन दिन व्यतीत हो जाए थोड़ा फल खा ले, फिर तीन दिन बीत जाए फिर थोड़ा फल खा ले। इस तरह ध्रुव जी ने एक महीना साधना की। दूसरे महीने में छह छह दिन के अंतर पर पत्ते इत्यादि को तोड़ करके ध्रुव जी खा लेते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते। तीसरे महीने में नौ नौ दिन के अंतर पर जल ग्रहण करके ध्रुव जी ने साधना की है। चौथे महीने में श्वास को जीत करके ध्रुव जी ने घोर साधना की है, और चौथे महीने में दिन बढ़ा दिए, बारह बारह दिन के अंतर से योग साधना करते हैं। पांचवें महीने में ध्रुव जी ने श्वास को खींच लिया, और जैसे ही नन्हे भक्त ने पांचवें महीने में श्वास खींचा तो देवताओं के प्राण अवरुद्ध होने लगे, इतनी कठिन तपस्या की है। अब तो ध्रुव जी महाराज एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज की कठिन तपस्या चल रही है, और मंत्र कौन सा चल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवताओं को लगा कि भगवान का कोई परम भक्त कठिन तपस्या पर है, देवता भगवान के पास गए, बोले प्रभु जल्दी चलिए ना, अब तो हम भी श्वास लेने में परेशानी हो रही है, आपका नन्ना भक्त आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, जाकर के उसके ऊपर कृपा करो। आहा मधुवन में उस वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए ध्रुव जी महाराज नेत्र बंद कर कर खड़े हुए हैं, एक पैर पर भगवान का सिंहासन डोल गया, गरुड़ जी को भगवान ने आदेश किया और चतुर्भुजी नाथ गरुड़ पर सवार होकर के नन्हे भक्त पर कृपा करने के लिए आ रहे हैं, और चलकर के चतुर्भुजी रूप धारण करके भगवान भक्त ध्रुव के सामने आकर के खड़े हो गए हैं। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की जय हो। ध्रुव जी के सामने महाराज वो छटा भगवान का तेज, वो प्रकाशवान तेज, और ध्रुव के सामने भगवान खड़े हैं, ध्रुव जी के नेत्र नहीं खुले क्योंकि हृदय में ज्योत जली हुई है, ध्यान लगा हुआ है। जब भगवान ने वो ज्योति खींची नन्हे से भक्त की आंखें खुल गई और नन्हे से भक्त ने देखना शुरू किया। ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान खड़े हैं, ध्रुव जी भगवान को देख करके मुस्कुरा रहे हैं, भक्त भगवान को देख के मुस्कुराया, भगवान भक्त को देख करके मुस्कुराए, कोई कुछ बोला नहीं है। इन दोनों की हंसी को देख करके कथा जो कह रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज हंस पड़े, सुखदेव जी की हंसी को देख करके जो कथा श्रवण करे, श्री परीक्षित जी महाराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, दोनों को हंसते हुए देख करके हजारों ऋषि गण हंसने लगे। नन्हे से भक्त को स्तुति का ज्ञान नहीं। ध्रुव जी महाराज की ओर भगवान देख रहे हैं, ध्रुव मुस्कुरा रहे हैं और भगवान की छवि को निहार रहे हैं। तब भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श किया
और जैसे ही ध्रुव जी के कपोलों से अपने शंख को भगवान ने स्पर्श किया है, मूकम करो तिवाचा कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। जिनकी कृपा से गूंगे बोलने लगे, जिनकी कृपा से बिना पैर का मनुष्य भी पहाड़ चढ़ जाए, उन भगवान की कृपा से आज ध्रुव जी के जैसे ही शंख स्पर्श हुआ, आज नन्हे से भक्त ध्रुव भगवान की स्तुति करने लगे हैं। और मानो भगवान ने वेद वेदांत का समस्त ज्ञान ध्रुव जी को सौंप दिया है। हम शिकायत करते हैं भगवान हमारी नहीं सुनते, देखिए ध्रुव जी के सामने आकर के खड़े हो गए। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति गाना शुरू किया। यो शा